भाई पहले आप इस चीज को देखो, यहाँ आपका ये वाई था, ये आपका सी था, और यहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट क्या लिया था, 100 लिया था। अब मेरा क्वेश्चन मैं जो पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ कि ये वैल्यू जो है इसको आप 100 क्यों ले रहे हो। आप ये देखो, अभी आपने मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट किया, कोई भी किया है, आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है, देखो यहाँ पर आप दिखा रहे हो कि वाई कितना हो गया, 100 हो गया, और पहले वाई कितना था, जीरो। वाई कितना था, जीरो है। जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट की होगी तभी तो वो आगे जाके किसी ना किसी की इनकम बना होगा। तो अगर यहाँ जीरो के बाद 100 लिख रहे हो, फर्स्ट फर्स्ट राउंड में देखना है कि जीरो से कितना बड़ा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 300, क्या लिखा होता, 300, तो इसका मतलब क्या है कि भैया यहाँ से इन्वेस्टमेंट 300 हुई है। फिर वो भाई मैंने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि मान लो मैंने मशीन में इन्वेस्टमेंट किया और फर्नीचर में इन्वेस्ट किया, वो पैसा मशीन और फर्नीचर वाले को गया ना, वो उनकी क्या हो गया, इनकम हो गया। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया यही तो यहाँ जा रही है। तो अगर यहाँ पर आप कह रहे हो कि 100 इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट 100 है। अब यही चीज आप यहाँ पे समझो, यही चीज यहाँ पर समझो आप, ये कि पहले तो इनकम जीरो थी। अब जीरो से 100 कब हुआ होगा, जब किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तभी तो ये इनकम बनी होगी। तो इन्वेस्टमेंट इसका मतलब 100 का हुआ है, तभी तो ये 100 से 100 आया है। समझ में आ रहा है आई कैसे लिया जाता है, आई का मतलब क्या है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर जीरो के बाद यहाँ 100 दिखा रहे हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट फिर 100 ही रहेगा, चाहे आप इस टेबल स्केड्यूल को देखो, चाहे आप इस स्केड्यूल को देखो। समझ में आ रही है बात, अब क्लियर हो गया ठीक है कि क्यों लिया इन्वेस्टमेंट 100। अभी आपने क्या था, सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है वो मनी मल्टीप्लायर का। भैया फर्स्ट राउंड में जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, और आई थिंक 100 करोड़ की थी हमने अपने एग्जाम्पल में, तो हमने क्या कहा था कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आगे जाके किसी की क्या होगी, उतना अमाउंट किसी की इनकम हो गया। तो अगर आप यहाँ पर कह रहे हो कि जीरो, जीरो लेवल ऑफ इनकम क्या, सीधा अगर इनकम फर्स्ट राउंड ये आपका जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है 100 से इंक्रीज हुई है, इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट हुई है इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो कितनी हुई है, और यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट कैसी है, ऑटोनोमस। तो हम कॉन्स्टेंट रखेंगे, हम क्या रखेंगे इसको, कॉन्स्टेंट रखेंगे। पहले बताओ ये क्लियर होगी बात, चलो मैं आगे, अब क्लियर हो गया। चलो जी, ये स्केड्यूल भी बन गया आपका। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल की बाय एसआई अप्रोच। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये इस तरह से इसका आपका टेबल बनेगा। जब इसका टेबल बनाओगे आप, मतलब डायग्राम बनाओगे, वो इस तरह से बनेगा। देखो पहले बताओ ये चीज क्लियर है आपको कि सेविंग कर्व जो है आपका वो बिलो द ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये तो अभी हमने डिराइव भी किया था। और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ऑटोनोमस होती है, जो हमारे एग्जाम्पल में आई 100 है, सारी 100 थी ना, तो हर वैल्यू पर हर इनकम पर वो कितनी रहेगी, वो 100 ही रहेगी। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करता कौन है, गवर्नमेंट करता। समझ में आ गया था। तो भाई अब देखो, जिस पॉइंट पर आपका एस किसको इंटरसेक्ट कर रहा है आई को, वही ये वही तो पॉइंट है जिस पर एस और आई इक्वल होंगे। ये वही पॉइंट होगा जिस पर एस और आई क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कहने से दैट ये वही पॉइंट होगा जिस पर ए डी इक्वल टू ए एस होगा। तो ये आपका क्या होगा, ई का मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, अब जैसे आपने प्रीवियस अप्रोच में हमने दो केसेस लिए थे, क्या ए डी इज ग्रेटर देन ए एस एंड ए एस इज ग्रेटर देन ए डी, वैसे यहाँ भी आपने दो केसेस लेने हैं, लेकिन इसमें बहुत इजी वे होता है। अगर ए डी इज ग्रेटर देन ए एस आपको क्लियर है, उसी अप्रोच के साथ आप यहाँ भी बढ़ोगे। कैसे बढ़ोगे, देखो पहले आपने कहा व्हाट हैपेंस व्हेन आई इज ग्रेटर देन एस, व्हेन आई इज ग्रेटर देन एस। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो आई का मतलब हो गया ए डी। भाई जो जब हम देखो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या था, सी प्लस आई, तो यहाँ पर आई किससे कनेक्टेड है, ए डी से। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है नेशनल इनकम, जो क्या होती है, तो कंज्यूम होती है या सेव होती है। एस आपका रिलेटेड हो गया, ऐसे वैसे याद रखोगे आप ए एस, और आई का मतलब हो गया ए डी। ये समझ में आ रहा है ठीक है। आई इज ग्रेटर देन एस का मतलब क्या है, इसका मतलब यही हुआ ना कि इफ प्लान इन्वेस्टमेंट आर ग्रेटर देन प्लान सेविंग, इट मीन ए डी इज ग्रेटर देन ए एस। वन एस का मतलब कि भैया अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, एडी। इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं, हम कंज्यूमर ही तो करते हैं भैया, इतना पैसा मैं कंज्यूम करो, इतना पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा, हम ही लोग करते हैं ना। आप जो है इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हो, ज्यादा करने, यानी कि आपकी साइड से जो डिमांड हो रही है वो ज्यादा आ रही है, लेकिन सामने वाला जो सप्लाई कर रहा है वो कम कर रहा है।
तो ये केस इनडायरेक्टली आपका इसी पर तो आ गया। जैसे ये केस यहां पर आपने दिखा दिया, फिर वही सब चीजें दोबारा लिखनी है आपको। समझ में आ गया? जो हमने पहले लिखा था, क्या कहा था हमने कि व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, इट मींस दैट बायर्स आर प्लानिंग टू बाय मोर गुड्स। फिर डिमांड ज्यादा हो रही है, आप डिमांड कर रहे हो 1000 यूनिट्स की, और सब प्रोड्यूसर की साइड से कितनी यूनिट्स बनी है, 800 यूनिट्स। अब प्रोड्यूसर का यहाँ पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। वो क्या करेगा कि भैया प्रोडक्शन को बढ़ाओ। प्रोडक्शन को बढ़ाने का मतलब क्या है, और वर्कर्स लेके आओ ताकि प्रोडक्शन हमारा क्या हो, और बढ़े। और वर्कर लाने का मतलब फिर उनको और ज्यादा वेजेस दो, प्रोडक्शन में और ज्यादा पैसा लगाओ, तो फैक्ट्री इनकम बढ़ेगी आपकी। फैक्ट्री इनकम बढ़ने का मतलब क्या है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, और नेशनल इनकम बढ़ने का मतलब क्या है, एएस आपका बढ़ना शुरू हो गया। पहले क्या था, एडी आपका हाई पर था और एएस आपका कम है, ये देखो अब ये बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। और किस पॉइंट तक बढ़ेगा, जब एडी किसके इक्वल ही आ जाता, एएस। मेरी बात समझ में आई कुछ? ठीक है, तो आगे किस तरह से लिखोगे आप, व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, इट मींस दैट बायर्स आर प्लानिंग टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज दैन प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इन दिस सिचुएशन इन्वेंट्री विद प्रोड्यूसर विल स्टार्ट फॉलो। अब क्या हो रहा है, इन्वेंट्री आपकी कम है, डिमांड ज्यादा आ रही है। टू मेंटेन द डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री, प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल। ये चीज समझ में आ रही है, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन लेवल को रेज करेगा। फॉर दिस पर्पस प्रोड्यूसर विल हायर मोर वर्कर, वो ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को क्या करेगा, हायर करेगा। दिस विल रेज द एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी एंड रिजल्ट इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम, दैट इज नेशनल इनकम, विच इज एएस। एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल एडी एंड एएस बिकम इक्वल टू ईच अदर। बोलो, क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, पहले आपने क्या करना है, पहले थोड़ा अप्रोच के बारे में बताओगे, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ पर आएगा, जब आई किसके इक्वल होगा एस। फिर आप क्या बनाओगे, स्केड्यूल बनाओगे, इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट कैसे लेनी है, समझ में आ गया। जीरो के बाद जितने से आपकी वो इनकम इंक्रीज होगी फर्स्ट पॉइंट पर, वही आपका क्या होगा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पॉइंट होगा। फिर डायग्राम एस वाला कहाँ से शुरू होगा, बिलो द ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और आई जो होगा आपका पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनेगा, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इसके बाद फिर आपको दो केसेस लेने हैं। केस वन में आप बात करोगे जब आई इज ग्रेटर देन है, तो सीधा इसको किससे लिंक कर दोगे, आई का मतलब हो गया एडी, और ऐसे आप ऐसे याद रखो एस। आपको अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है प्लान सेविंग से, इसका मतलब एडी जो है वो एस से ज्यादा। फिर सारी वही पॉइंट लिखते हैं जो आपने, इसलिए मैंने कहा था एडी एस अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली उसी की कॉपी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट केस पर। अब आपने क्या कहा, व्हाट हैपेंस व्हेन एस इज ग्रेटर देन आई। अब एस का मतलब क्या, ए एस। आई का मतलब क्या, ई डी। अब आप कह रहे हो कि भाई सप्लाई ज्यादा हो रही है, यानी कि प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है और कंज्यूमर डिमांड कम कर रहा है, या प्लान कम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अगर आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर दी और डिमांड कम आ रही है, तो इसका मतलब काफी सारा स्टॉक आपका अनसोल्ड ही रह जाएगा। तो आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे या कम करोगे, कम करोगे। कम करने का मतलब आप क्या कहोगे, भैया इतने वर्कर्स जो रखे हुए हैं इनकी जरूरत नहीं है, अब इन वर्कर्स को हटाओ, जितनी प्रोडक्शन हमें करनी है हमें प्रोडक्शन सिर्फ इस लेवल पर करनी है, इस लेवल के लिए जितने हमारे पास वर्कर है वो इस लेवल के लिए, तो वर्कर्स को आप छांटना शुरू कर दो। वर्कर्स कम होंगे तो वेजेस भी कम जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फैक्ट्री इनकम क्या होगी, कम होगी। तो धीरे 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 जो आपका एएस है वो क्या होना शुरू हो गया, वो कम होना शुरू हो गया। कम होते होते वो किस पॉइंट तक कम होगा, जिस पॉइंट पर वो एडी और एएस क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ये कहानी क्लियर? ठीक है, इफ प्लान इन्वेस्टमेंट आर लेस देन द प्लान सेविंग, इट मींस एडी इज लेस देन एएस। व्हेन एडी इज लेस देन एएस, इट मींस दैट बायर्स आर प्लानिंग टू बाय लेस गुड्स एंड सर्विसेज देन प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। इन दिस सिचुएशन इन्वेंट्रीज विद प्रोड्यूसर्स विल स्टार्ट राइज। टू मेंटेन द डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री, प्रोड्यूसर विल रेड्यूस द प्रोडक्शन लेवल। वो अपना प्रोडक्शन लेवल क्या कर देगा, कम कर देगा। फॉर दिस पर्पज प्रोड्यूसर विल ले ऑफ द वर्कर्स, और वर्कर्स को क्या करेगा, हटाना शुरू कर देगा, कम कर देगा अपने वर्कर्स। दिस विल रेड्यूस द एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी एंड रिजल्ट डिक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम, दैट इज नेशनल इनकम, विच इज एएस। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल एडी एंड एएस बिकम इक्वल टू ईच अदर। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे।
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जब पूछा जाता है आपसे, तो मेन तो इम्पोर्टेंट क्या है, KDES अप्रोच, और दूसरा फिर आपका आता है SI अप्रोच, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपका आता है वो आता है कंसेप्ट ऑफ फुल पेमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है क्या। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर ऑल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, जितने भी इकोनॉमी में आपके पास रिसोर्सेज हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर फुली एम्प्लॉयड, में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है सबको आपने क्या कर रखा है, एम्प्लॉयड कर रखा है, सभी का फुल यूटिलाइजेशन। इट लीड्स टू अ मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी। भाई जितने रिसोर्सेज सभी का यूज कर लिया, जितने आपके लेबर है सारी आपने लगा दी, ठीक है, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, कहने का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, तो इससे ज्यादा प्रोडक्शन तो नहीं हो सकता ना, फिर इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी का, पहले बताओ ये बात क्लियर, ठीक है। देन हाउएवर इन प्रैक्टिकल लाइफ द कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज लिमिटेड टू फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर फोर्स ओनली। लेबर फोर्स में क्या आता है, जो लोग अपनी इच्छा से विलिंगली काम एट द एग्जिस्टिंग वेजेस रेट काम करने के लिए तैयार है उन सबको आपने रोजगार दे रखा है। इन अदर वर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन ऑफ नो इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, समझा क्या, ठीक है। लेबर फोर्स रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विच इज फिजिकली एंड मेंटली एबल टू डू द वर्क एंड एट द सेम टाइम विलिंग टू वर्क, जो काम कर भी सकते हैं, जैसे आप इसमें ओल्ड एज पीपल नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे, स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है, जैसे हमारे जैसे लोग वो इसमें आएंगे, क्या मेंटली और फिजिकली हम इस चीज के लिए रेडी भी है और हम काम करना भी चाहते हैं, ठीक है। दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक होती है वॉलेंट्री, एक होती है इनवॉलेंट्री। तो अगर मैं वॉलेंट्री की बात करता हूँ, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क, आप करना ही नहीं चाहते, तो शान आपकी घट जाती है, मैं काम कर लूँ, बैठे बैठे घर पे किराया आया, क्या करने की जरूरत है, पापा का काम चल तो रहा है बिजनेस, अरे कोई खाने वाला भी तो चाहिए, सारे कमाएंगे तो कैसे, समझ में आ रही है बात। व्हेन पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क इवन दो सुटेबल वर्क इज अवेलेबल, काम है आपके लिए लेकिन फिर आप करना नहीं चाहते, तो इसका मतलब क्या है, आप वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से इट इज केप्ट आउटसाइड द, इसको लेबर फोर्स में रख ही नहीं सकते आप, भाई वो करना ही नहीं चाहता, फिर आप कह रहे हो कि बेरोजगारी बढ़ रही, किसकी बेरोजगारी बढ़ रही, जो करना ही नहीं चाहते वो कैसे बेरोजगार हो गए, रोजगार हम दे रहे हैं आप करना ही नहीं चाहते, फिर कह रहे हम तो बेरोजगार है भैया, सरकार बेकार है, गवर्नमेंट ही अच्छी नहीं है, देखो सारे के सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, अच्छा तो ठीक है भी चलो काम करो, अरे नहीं ठीक है ऐसे मजाक कर रहा है, बात ही पलट दी, ठीक है चलो आगे जाओ। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि आप अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं हो, आप करना चाहते हो लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ लेबर फोर्स विच इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट सुटेबल वर्क इज नॉट अवेलेबल फॉर देम, कहानी क्लियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप, क्या एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है, कि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे भी ज्यादा आप डिमांड कर, अब इस बात को ध्यान से समझो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे मान लो जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 1 करोड़ यूनिट का हो रहा है, कितने का हो रहा है, 1 करोड़ यूनिट का, लेकिन डिमांड आ रही है 1 करोड़ 50 लाख यूनिट, अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जितने भी लोग इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाले सारे एम्प्लॉयड हो चुके हैं, सारे रिसोर्सेज आपने यूज कर लिए, अब क्या फिर रास्ता बचता है, महंगाई बढ़ा दोगे तभी डिमांड कम हो सकती है, तो इन्फ्लेशन आएगा नहीं आएगा, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इस चीज को समझो, आप इस चीज को आप ऐसे समझो, अरे तो ये इसका डायग्राम फिगर है, इस पर ध्यान देना, अब देखो
हमने ये मान लिया जो हमारा डायग्राम है इसमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है, ओ भाई ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है, ओ भाई। तो आपने ये मान लिया कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो ये है, ओ भाई। ये समझ में आ रही है बात? यानी कि जब इतनी नेशनल इनकम पर, यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल पर, इक्विलिब्रियम लेवल समझते हो ना, एडी और एएस, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जब हुआ है, इक्विलिब्रियम लेवल पर जो हमारी नेशनल इनकम है वो कितनी जनरेट हुई है, ओ भाई। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखो। लेट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ओ वाई वन, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो गया, ओ वाई वन। तो ये आपका है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। हम ये कह रहे हो कि ओ वाई क्या है आपका, इक्विलिब्रियम लेवल। ये क्लियर हो गया? ठीक है, एंड ओ वाई वन क्या है आपका, ओ वाई, ओ वाई वन, ये क्या है आपका, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इतनी कहानी क्लियर हो गई? ठीक है, फिर आगे देखो। अब ओ वाई वन का मतलब क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या है, कि एंटायर लेबर ऑफ इकोनॉमी, जितनी भी पूरी लेबर है हमारे पास अवेलेबल, सभी को आपने रोजगार दे रखा है, सभी को लगा दिया, तब जाके लेवल ऑफ इनकम कितना किया है, ओ वाई वन। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद आगे समझो। अब देखो, अब जो आपका डायग्राम है उस डायग्राम में ये कहा जा रहा है कि टेक्निकली एडी शुड बी एट पॉइंट बी, बट दिस इज नॉट अ सिचुएशन। अब जो आपका एग्रीगेट डिमांड है, जो एग्रीगेट डिमांड आ रहा है आपका, वो आ रहा है इस पॉइंट, समझ आ रहा है, वो इस पॉइंट पर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में होना किस पॉइंट पर चाहिए उसको, वो इस पॉइंट पर होना चाहिए। जो डिमांड आ रही है वो कितनी आ रही है, डिमांड इतनी आ रही है, ये इस पॉइंट तक आ रही है डिमांड, इतनी हो रही है भाई। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर आप देखो, आप ये आपका देखो, ये आपका, ये ठीक है, इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, तो डिमांड आपकी यहाँ आनी चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए, इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो आइडियली ये जो पॉइंट आपकी, ये जो लाइन ऊपर से जा रही है, मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन हमारी यहाँ से जानी चाहिए, ये यहाँ से डी से क्रॉस करनी चाहिए थी भाई, ये इससे आगे तो हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, तो आइडियली हमारा इक्विलिब्रियम लेवल इसी पॉइंट पर हो जाना चाहिए था। ये बात समझ में आ रही है? अब ये आपके जो डिमांड, ये हाई पर है तो लेवल आपका यहाँ चला गया, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यहाँ, अगर ये यहाँ हो जाता तो इसी पर आया था, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन तो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा प्रोडक्शन आप दे सकते हो, समझ में आ रही है मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तो आइडियली ये जो एडी है आपका, वो इस पॉइंट पर होना चाहिए था, इस पॉइंट पर होना चाहिए था, बी पॉइंट पर। ये क्लियर हो गया? तो यही बात आपने यहाँ पर बोली कि टेक्निकली एडी शुड बी एट पॉइंट बी, बट दिस इज नॉट अ सिचुएशन, दैट इज एट पॉइंट ए, लेकिन वो कहाँ पर है, पॉइंट ए पर है। अब आप क्या करोगे, लेबर तो इससे ज्यादा ला नहीं सकते, ठीक है, तो इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन तो ये होता है कि भैया आप उनको ओवर यूटिलाइज करो, उनको बोलो एक्स्ट्रा आवर्स आप काम करो, उनको क्या बोलोगे भाई, जितने घंटे आप काम करो उससे ज्यादा घंटे काम करो, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में क्या ये चीज पॉसिबल है, कुछ टाइम तक तो चलो हो भी जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपने क्या कहा, टू कवर अप दिस एक्सेस डिमांड, दिस लेबर फोर्स विल बी ओवर यूटिलाइज, इससे क्या होगा, शॉर्ट रन पर तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा भाई, ओवर यूटिलाइज करोगे, ज्यादा घंटे काम करेंगे, जैसे 6 घंटे 8 घंटे करे, 10 घंटे 11 घंटे काम करो, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो शॉर्ट रन में तो आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? शॉर्ट रन में क्या होगा, आप इक्विलिब्रियम अटेन कर लोगे, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब ये जो ए बी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बी, ये होने डिमांड, ये की डिमांड ऊपर जा रही है, इसी को क्या कहा जाता है, एक्सेस डिमांड कहा जाता है, या इन्फ्लेशनरी कैप, ये समझ में आ रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी कैप, समझ में आ गया था? ठीक है, ए बी का यहाँ पर एक्सेस डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, इतनी कहानी क्लियर होगी? चलू मैं आगे, क्या बताया मैंने आपको कि भाई ये जो है आपका इक्विलिब्रियम लेवल जिस पॉइंट पर आ रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के हिसाब से वो यहाँ होना चाहिए, लेकिन डिमांड आपकी यहाँ जा रही है, तो ये जो गैप है इसी को क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड। शॉर्ट रन में तो आप इसको इक्विलिब्रियम पर लेके आ जाओगे, कैसे, ओवर यूटिलाइजेशन कर, पर लॉन्ग रन में ये चीज पॉसिबल है ही, इसी वजह से क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती,
तो चीजों की डिमांड ज्यादा आ रही है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, इतनी प्रोडक्शन। जैसे हम लोगों के लिए बहुत इजी होता है, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, ये करता है वो करता है, तो कई बार ये सिचुएशन को एक इकोनॉमिक स्टूडेंट, एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, आप इस चीज को थोड़ा समझ सकते हो, कई बार गवर्नमेंट चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। फिर डिमांड ही अगर इतनी हो जाए और फुल इंप्लॉयमेंट लेवल या जो भी है उस पर अगर नहीं पूरी हो पा रही, तो क्या करोगे? नेचुरली फिर महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो क्या हुआ इससे, इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। अब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ तो गई है, अब गवर्नमेंट क्या मेजर्स यूज करेगी इसको कंट्रोल करने के लिए, अब पॉइंट ही आता है, समझ आ गया? अब गवर्नमेंट इसको कंट्रोल, अब गवर्नमेंट क्या आ गई, सिचुएशन आ गई कि भैया महंगाई बढ़ रही है, अब क्या किया जाए? तो गवर्नमेंट किन मेजर्स का यूज करती है? तो गवर्नमेंट जो मेजर्स का यूज करती है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, वो दो तरह के होते हैं, या तो वो होता है फिस्कल मेजर होगा, या होगा मॉनिटरी। फिस्कल मेजर वो मेजर होता है जो किस जो कौन अंडरटेक करता है, गवर्नमेंट। मॉनिटरी नाम से समझ में आ रहा है, मनी। मॉनिटरी मेजर्स वो मेजर होता है जो कौन अंडरटेक करता है, आरबीआई। पहले बताओ ये कहानी क्लियर, ये चीज समझ में आ गई, तो डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, चलो मैं आगे आगे समझो। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फिस्कल मेजर्स की। फिस्कल मेजर्स कौन अंडरटेक करता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रेज कर देती है। टैक्स कौन देगा, हम लोग ही देंगे। अब देखो, जैसे ही टैक्स बढ़ गए, डिस्पोजेबल इनकम हमारी कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जो हमारी जो इसको हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं, जो इनकम का पार्ट हमें खर्च करना होता है। तो अगर आपके आपके टैक्स बढ़ा दिए गए, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो आपकी परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो अपने आप भी डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज महंगाई के टाइम पर गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि एग्रीगेट डिमांड भैया कम हो, महंगाई उसी की वजह से तो आई है। एग्रीगेट डिमांड किस पॉइंट पर होनी चाहिए थी, बी पॉइंट पर, लेकिन थी किस पर, ए पर, ऊपर चली गई ना, उसको नीचे करना है, तो हुआ नीचे। बोले ये मेजर क्लियर हुआ, क्लियर आया था? ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। क्या होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट हमारे बिहाफ में करती है, जो गवर्नमेंट हमारे लिए करती है। अब जो गवर्नमेंट हमारे बिहाफ में करती है, वो हमें तो करना नहीं होता फिर वहां पे कुछ। अब गवर्नमेंट अगर हाथ खींच ले, गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दे, तो जहां खर्चे, जैसे मान लो कि मेट्रो में जो जो इसका फेयर है मेट्रो का, वो 50% रेड्यूस कर रखा है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बढ़ा दिया। तो पहले जो 50, पहले मान लो जो 100 रुपीज की आप पे करते थे वन साइड का, वो अब पहले आप उसको 50 देते थे, अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, नॉर्मल फेयर कर दिया। अब आपको कितना देना पड़ेगा, देना पड़ रहा है ना? ठीक है, तो अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने कम कर दिया, तो क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर वही बात, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो किस पर फर्क पड़ेगा, परचेजिंग पावर, ये डिक्रीज हो जाएगी। और परचेजिंग पावर डिक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यही तो टारगेट है, इसी को तो कम करना है, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद दूसरा मेजर कौन सा आता है, मॉनिटरी मेजर। तो मॉनिटरी मेजर में दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। ये बात समझ में आ रही है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। और मॉनिटरी मेजर कौन करता है अंडरटेक, आरबीआई, यानी कि सेंट्रल बैंक। अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करता हूं, तो बैंक क्वांटिटी मेजर में क्या आता है, इंक्रीज इन बैंक रेट। क्या आता है, इंक्रीज इन बैंक रेट। पहले समझो बैंक रेट है क्या, रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। अब एक बात समझो, अगर आरबीआई जो है वो बैंक रेट बढ़ा देता है, आरबीआई किसको लोन प्रोवाइड कर रहा है, कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक आगे किसको देगा, पब्लिक को। अगर पीछे से रेट बढ़ गया, तो ये भी तो रेट बढ़ा देगा, तो आप लोग फिर क्या लोन लोगे, प्रोडक्शन पर्पस के लिए लोन लोगे, जो ले रहे थे आप जितना लोगे उससे पहले से क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो डिमांड कम हो जाएगी ना, मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इसको आप ऐसे समझो कि जैसे ही बैंक रेट बढ़ गया, तब क्या होगा, पब्लिक विल डिस्करेज टू टेक लोन, एंड एज ए रिजल्ट मनी सप्लाई विल डिक्रीज। ये क्लियर हो गया, क्लियर आया था? ठीक है, अब होगा क्या, जब मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई आपकी कम होगी, मनी सप्लाई कम होने का मतलब क्या, तो पैसा ही नहीं होगा, तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर, चलूँ मैं आगे। ठीक है,
नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन रेपो रेट। देखो पहला क्या था, बैंक रेट। बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो दिया जाता है उसका रेट होता है, और रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म पर्पस। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। जिस रेट पर आरबीआई लोन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कौन सा लोन? शॉर्ट टर्म। जिस रेट पर प्रोवाइड कर रहा है, अब देखो आरबीआई ने रेट ज्यादा बढ़ा के दिया तो कमर्शियल बैंक आगे ये भी तो रेट ज्यादा बढ़ा के देगा। जितने रेट पर आरबीआई दे रहा है उससे ज्यादा लेगा तभी तो कमाएगा। पब्लिक के लिए क्या हो गया? फिर मनी सप्लाई क्या होगी? कम होगी। मनी सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? परचेसिंग पावर कम होगा। परचेसिंग पावर कम होगा तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है, आगे देखो। फिर आता है, नेक्स्ट आता है क्वांटिटी मेजर में इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। इसको आप कहते हो सीआरआर। क्या होता है ये? दैट फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक कीप विद आरबीआई। यही होता है ना सीआरआर, कि भैया इतने में से इतना तो आपको रखना ही है। अब देखो मान लो 1,000 रुपये आ रहा है, अभी जो सीआरआर चल रहा था वो 10% चल रहा था, तो 1,000 में से 100 तो सीआरआर किसके पास जाता था? आरबीआई के पास, ये मान के चलो। तो बाकी लोन के लिए कितना अमाउंट बच गया आपका? मोटा मोटा मान के चलो 900 रुपये बच गया। ठीक है, अब मान लो आरबीआई ने 10% की जगह इसको कर दिया 40%। अब 1,000 में से 400 तो आरबीआई के पास ही चले गए, तो लोन देने के लिए कितना अमाउंट रह गया आपके पास? 600 रुपये। यानी कि मार्केट में पैसा जो पहले 900 जा रहा था वो अब कितना जा रहा है? 600। मनी सप्लाई कम होगी, और मनी सप्लाई कम होने का मतलब परचेजिंग पावर कम, और परचेजिंग पावर कम होने का मतलब एग्रीगेट डिमांड कम। ये कहानी क्लियर? ठीक है, फिर एक रेशियो और पड़ा था अगर आपको याद हो, एसएलआर। ये कौन सा होता है? ये वो अमाउंट होता है जो कमर्शियल बैंक खुद अपने पास एज ए रिजर्व रखता है। ठीक है, एसएलआर होता क्या है? दैट फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक कीप विद इटसेल्फ। दो रेशियो बताए थे ना आपको, एक सीआरआर जो कमर्शियल बैंक किसके पास रखवाता है? आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास। एक वो रेशियो था जो अपने पास रखना था। अब ये भी अगर बढ़ गया तो बात देखो वही आ गई। जैसे अभी 1,000 रुपये था, ठीक है, मान लो ये एसएलआर पहले था 20 10%, तो कितना बच रहा है? 900। अब इसी को मैं बोल दू 40%, तो अब कितना बच रहा है? कोई 600। समझ आ रही है बात? तो एसएलआर बढ़ेगा तो क्या होगा? मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी? कम। तो लोन बैंक कम दे पाएगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी? कम। तो परचेसिंग पावर कम हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये क्लियर है सबको? ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका क्वांटिटी मेजर में ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है? आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सेल और परचेज द सिक्योरिटी। अब एक बात बताओ, आरबीआई क्या करना चाहता है अभी? मनी सप्लाई कम करना चाहता है, यानी कि पैसा आपके पास ना हो। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं? सेल करूँ या परचेज करूँ? मैं सेल कर दूंगा, आप पैसे मुझे दे दोगे, पैसा मेरे पास आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें क्या होता है, ऑन एक्सेस डिमांड आरबीआई क्या करेगा? सिक्योरिटी उसको क्या कर देगा? सेल कर देगा। सिक्योरिटी को सेल करने का मतलब क्या है? मनी सप्लाई कम होगी, क्योंकि पैसा तो आरबीआई के पास चला गया। मनी सप्लाई कम होने का मतलब क्या? परचेजिंग पावर कम, और परचेजिंग पावर कम होने का मतलब एग्रीगेट डिमांड कम। बोलो भाई, क्वांटिटी मेजर क्लियर हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आता है आपका क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव मेजर में क्या होता है? इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आप लोन लेते हो तो अपनी प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह रखवाते हो, ठीक है, तो आरबीआई ने मान लो मार्जिन पहले रखा हुआ था 10%। तो मान लो आपकी प्रॉपर्टी के पेपर है वो 1 लाख के, आप 1 लाख की प्रॉपर्टी के पेपर लेके गए और आपने कहा जी मुझे 1 लाख का ही लोन चाहिए। बैंक ने कहा 10% का मार्जिन है, तो आपकी जो 1 लाख की पेपर है हम इसकी वैल्यू लगाएंगे 90,000, तो आपको जो लोन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 90,000। अब आरबीआई ने इसको 10% की जगह फिर इसको 40% कर दिया। अब आप फिर 1 लाख के पेपर लेके आए इस उम्मीद में कि मुझे 1 लाख का लोन मिल जाएगा। बैंक ने कहा भैया इसकी वैल्यू लगेगी 40%, रेड्यूस हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी लगेगी? 60,000। 1 लाख के पेपर पर, 1 लाख की प्रॉपर्टी पर बैंक आपको सिर्फ 60,000 दे रहा है, तो आप लेना चाहोगे?
प्रॉपर्टी आपकी 1 लाख बैंक के पास चली गई, ये परखवाने पड़ेंगे अगर लोन पूरा नहीं करोगे तो। इससे क्या होगा, आप डिस्करेज हो जाओगे, डिस्करेज होने से जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो मनी सप्लाई फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और जिससे एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले बताओ ये क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटेटिव मेजर है मॉरल सीजन। मॉरल सीजन क्या होता है, पहली बात तो भैया ये ऑर्डर नहीं होता, गलती से ऑर्डर मत लिख के आता ना, ये एक अपील होती है, काइंड ऑफ एक हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि आरबीआई सभी कमर्शियल बैंक को कहता है भाई मेरी बात सुनो, यानी कि दादाजी बोल रहे हैं फैमिली मेंबर से, बच्चों मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो, महंगाई का टाइम है, मनी सप्लाई कंट्रोल करो। अगर मनी सप्लाई यानी कि कैसे कंट्रोल करो, कि पर्सनल लोन पे जो देना है वो लिमिटेड दो, और सिलेक्टिव लोन पर ही लोन ही प्रोवाइड करो, और इस तरह की जो और बाकी के जो लोन है या तो दो ही मत, और दो ही रहते लिमिटेड उसमें दो, इससे ज्यादा अमाउंट दो ही मत, यानी कि मनी सप्लाई को क्या करना है, कंट्रोल करना। तो मॉरल सीजन होता क्या है, ये एक अपील होती है, ये ऑर्डर नहीं होता, पहली बात तो इस चीज का ध्यान रखना, अपील नॉट ऑर्डर बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इकोनॉमी टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड आरबीआई विल अपील टू कमर्शियल बैंक, आरबीआई अपील करेगा टू प्रोवाइड लोन फॉर सिलेक्टिव पर्पस ओनली, नॉन सिलेक्टिव पर्पस पर नहीं देना है। ये देखो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, कि जब एक्सेस डिमांड होती है तो लोन किस पर प्रोवाइड किया जाए, सिलेक्टिव पर्पस पर, नॉन सिलेक्टिव पे नहीं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। नॉट टू प्रोवाइड पर्सनल लोन बियॉन्ड स्पेसिफिक लिमिट, अगर पर्सनल लोन दे भी रहे हो तो एक लिमिट बना दो कि भैया आज के टाइम आजकल जो है पीछे से आरबीआई का ऑर्डर आया हुआ है, मान लो पहले हम 5 5 10 10 लाख के पर्सनल लोन देते थे, अब 1 लाख से ऊपर नहीं देंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा, दैट इज डेफिसिट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। अब अगर आपको वो क्लियर हो गया तो ये आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। देखो कैसे, अब इस डायग्राम को देखिए, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो यहां से आपको ये समझ में आ रहा है, पहले मैं दोनों फाइल एक साथ ओपन कर देता हूँ ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए। देखो ये आपकी फिगर है, राइट। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि पॉइंट ई पर ही तो होगा इक्विलिब्रियम, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ पर आपने क्या ले लिया, ओ वाई। देखो आपका जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है ओ वाई पर, यानी कि अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल करता हूँ तो प्रोडक्शन इतना हो जाए, इतना हो जाएगा, लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड है उसका इक्विलिब्रियम यही आ गया। समझ में आ रही है मेरी बात, यानी कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है डिमांड उससे क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये क्या है, डेफिसिट डिमांड, यानी कि प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इस पॉइंट पर इतना जा रहा है। ये मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आइडियली होना कहाँ पर चाहिए, पॉइंट ए पर। अब उल्टा है, आइडियली जो है इसको कहाँ होना चाहिए था, ए पर ए पर, लेकिन एक्चुअल में है कहाँ पर, बी पर। मेरी बात समझ में आ रही है, एडी कर्व जो अगर देखो यहाँ पर होगा ये आपका, ये यहाँ पर होना चाहिए, उल्टा है। उसमें क्या था, एक्सेस में क्या कहा था, अभी यहाँ पर होना यहाँ चाहिए था, तब ऐसे था, है ना, एग्जैक्टली अपोजिट। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है आपको कि ए वन बी वन, यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिया वो क्या लिया है, ए वन बी वन। देखो ये ए वन है और ये बी, ये आपका जो गैप है ये क्या है, डेफिसिट, क्या शो कर रहा है, इन्फ्लेशनरी नहीं डिफ्लेशनरी गैप, क्या शो कर रहा है, डिफ्लेशनरी गैप। देखो इधर ए वन बी वन जो है यहाँ पर वो क्या है, डेफिसिट डिमांड है और डिफ्लेशनरी गैप को शो कर रहा है, यानी कि शॉर्टेज ऑफ एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज नोन एज डेफिसिट डिमांड। समझ आ गया, कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जितना प्रोडक्शन हो जाएगा उतनी डिमांड नहीं है, उससे कम डिमांड है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसी समझ में आ रही है, ठीक है। इट मीन्स फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एडी शुड बी एट पॉइंट ए वन, उसको होना कहाँ पर चाहिए, ए वन पर, बट एक्चुअली वो है कहाँ पर, बी वन पर। बोलो भाई क्लियर हो गया, मोटी मोटी बात समझ में आ गई, यहाँ होना चाहिए लेकिन है कहाँ पर, यहाँ
ये आपका क्या हो गया, डेफिसिट डिमांड वाला केस, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इस फिर गवर्नमेंट आप ऐसे केसेस में क्या मेजर ले, जो आपने अभी पढ़ा एक्जैक्टली उसका उल्टा, यही पढ़ा था। दो तरह के मेजर होते हैं, एक होता है फिस्कल मेजर जिसको कौन अंडरटेक करता है, गवर्नमेंट, मॉनिटरी मेजर को कौन अंडरटेक करता है, आरबीआई। अब देखो क्या होगा, जब फिस्कल मेजर की बात होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को कम कर देगी। जैसे ही गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करेगी तो टैक्सेस कम होने से क्या होगा, टैक्सेस कम होने से क्या होगा, टैक्सेस कम होने से आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। क्योंकि भैया पहले मान लो मैं जो टैक्स देता था वो 10% था, तो अगर मेरी 1 लाख वो थी इनकम तो मुझे 10,000 तो टैक्स में जाता था, मेरे पास बचता कितना था, 90,000। गवर्नमेंट ने इसको कर दिया 1%, अब मेरे पास पूरा का पूरा 99,000 बचे। मेरी परचेसिंग पावर क्या है, वही तो करना है, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। समझ पा रहे हो इस चीज को, एग्जैक्टली उसका क्या है, अपोजिट है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या था, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो आपके भी आप में कर रही थी वो बढ़ा देगी, जिससे आपका खुद का पैसा क्या हो, कम लगेगा। यानी कि जहां आपका पैसा ज्यादा लग रहा था वो कम लगेगा, क्योंकि आपके आपके भी आप में जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दिया। समझ में आ गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट का बढ़ गया तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जो पैसे आपकी जेब से जा रहे थे वो अब क्या जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो आपके पैसे बच रहे हैं, पैसे बचेंगे तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ये कहानी क्लियर? ठीक है, फिर आता है आपका मॉनिटरी मेजर। अगर मैं मॉनिटरी मेजर की बात करता हूँ तो कितने तरह के थे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अगर हम क्वांटिटेटिव मेजर की बात करते हैं, अच्छा मॉनिटरी मेजर कौन अंडरटेक करता है, आरबीआई। सबसे पहले क्या होगा, वहां पर क्या हुआ था, एक्सेस डिमांड में इंक्रीज हो गया था बैंक रेट, अब क्या हुआ, डिक्रीज। यानी कि जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पहले लॉन्ग टर्म लोन दे रहा था वो अब कम हो गया, आरबी कमर्शियल बैंक के लिए सस्ता हो गया, तो कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक के लिए सस्ता करेगा, पब्लिक क्या होगी, एनकरेज होगी लोन लेने के लिए, मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगी। बताओ समझ में आ रही है बात, जैसे ही बैंक रेट कम होगा पब्लिक विल एनकरेज टू टेक लोन एंड एज ए रिजल्ट मनी सप्लाई विल इंक्रीज, यस और नो, समझ आ रही है बात। ठीक है, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर होगी? ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ, डिक्रीज इन रेपो रेट। रेपो रेट में क्या फर्क था, शॉर्ट टर्म, अब आरबीआई जिस रेट पर शॉर्ट टर्म कमर्शियल बैंक को दे रहा था आरबीआई ने उस रेट को कम कर दिया, कमर्शियल बैंक के लिए लोन सस्ता हो गया, आगे वो पब्लिक के लिए सस्ता करेगा, तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी जब लोन रेट सस्ता हो जाएगा, जिससे क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर से एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि आरबीआई जो सीआरआर है तो रेट क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ये रेट डिक्रीज होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोन बैंक जो होगा कमर्शियल बैंक वो दे पाएगा, ज्यादा लोन देगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी जिससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर से एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, डिक्रीज इन स्टैचुएटरी लिक्विडिटी रेशियो, यही होगा। फिर जब ये डिक्रीज होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगा कमर्शियल बैंक, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगा। ये पॉइंट भी क्लियर है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में एक्सेस डिमांड में क्या हुआ था, सेल किया था और पैसा अपने हाथ में ले लिया, अब क्या करेगा, परचेज करेगा, पैसा मनी सप्लाई बढ़ा देगा, मार्केट में क्या होगा, पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑन एक्सेस डिमांड, यहाँ एक्सेस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा आपका, डेफिसिट डिमांड, ऑन डेफिसिट डिमांड आरबीआई परचेज सिक्योर, परचेज करेगा तो पैसा आपको आपके हाथ में आ जाएगा, जब पैसा आपके हाथ में आएगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होगी जिससे परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर से एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखो फिर क्या था, क्वालिटेटिव मेजर। एक्सेस डिमांड में क्या किया था, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया, और यहां पर क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि पहले जैसे 1 लाख पर कितना था, 40% हो गया था हमारे एग्जाम्पल में, तो 60,000 ही आपको मिल रहा था, अब 1 लाख में 40% की जगह इसको मान लो 10% कर दिया, तब आपको सीधा 90,000 मिलेगा। यू विल एनकरेज, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे, जब लोन ज्यादा लेंगे तो मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो
परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, ये भी क्लियर हो गया। फिर हमने पढ़ा था मॉरल, जो एक अपील होती है, आप क्या होगा देखो, वहां पे मैंने आपको एक वर्ड पर हाईलाइट किया था, अगर आपको याद हो, सिलेक्टिव बेसिस पर ही कहा था, जब एक्सेस डिमांड हो तो सिर्फ खास खास जो जो आपके जिन पर लोन दिया जाता है वो सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव यानी सब में नहीं देना है, बस इसमें दे, होम लोन दे दो, एजुकेशन लोन दे दो, वो भी एक स्पेसिफिक लिमिट पर। लेकिन अब क्या है, टू प्रोवाइड लोन ऑन नॉन सिलेक्टिव बेसिस, भैया दो लोन ठीक है, और पर्सनल लोन की जो लिमिट है वो भी बढ़ा दो, क्योंकि इस वक्त क्या होगा, लोगों के हाथ में सप्लाई जाएगी तभी तो वो डिमांड को बढ़ाएंगे, वही तो करना है, समझ में आ रही सारी चीजें। तो यहाँ के आपका इस चैप्टर का जो यूनिट 3 है हमारी वो कंप्लीट होता है, सारा रिवीजन एनालिसिस क्लियर हो गया ठीक है। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप पहले अपने डाउट को पूछो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास के जो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 ठीक है।